हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वॉइस सनी पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, तो आज मैं बताने वाला हूँ भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बिहार में है, मैं उसमें आज आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज के अबाउट बताऊँगा, फिर कैंपस के बारे में बताऊँगा, फिर ब्रांच के बारे में, कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलते हैं, जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं तो फिर कितने परसेंटाइल पे मिलते हैं। ठीक है, ये बात करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पर 4 साल के फ़ी कितने आएंगे, हॉस्टल फ़ी कितने आएंगे। फिर मैं आपको यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ का हाइएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा है, यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट क्या है, एंड साथ ही मैं बताऊँगा यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ आती है। ठीक है, और यहाँ पर टीचर कैसे हैं, यहाँ पर कैसे पढ़ाई होते हैं। ठीक है, तो आज मैं इन सभी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो वन बाय वन मैं आज लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो बने रहो। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इलेक्ट्रिकल वॉइस सनी, और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओके, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं बता दूँ, ठीक है, क्या भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज है, सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज है। ठीक है, वो भी 1960 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो 1960 का ये कॉलेज है भाई, उस ज़माने का। ठीक है, और उसके बाद मैं बता दूँ, ये कॉलेज जो है वो एफिलेटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। ठीक है, और भी सभी कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं अभी। ठीक है, जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं बिहार में और मेडिकल जो भी है, सभी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड है। तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी एफिलेटेड है इनसे। ठीक है, और मैं उसके बाद आप लोगों को बता दूँ कि ये कहाँ हैं। ठीक है, तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना वो सिटी से नज़दीक है, सिटी में ही कॉलेज है एक्चुअली। ठीक है, सिटी से थ्री टू फोर किलोमीटर थोड़े दूर हैं। ठीक है, बट पास में ही है, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है इस शहर की, भागलपुर सिटी की बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और मैं बता दूँ ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कैंपस है। ठीक है, यहाँ पर कोई रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के कॉलेज हैं। ठीक है, तो अब मैं अब इसके बाद बात करने वाला हूँ आपके सामने, कॉलेज के अबाउट तो बता दिया, अब सेकेंड में बात करूँगा क्या यहाँ का कैंपस कैसा है। ठीक है, तो कैंपस आप देख सकते हो, आपको साइड में दिख भी रहा होगा कैंपस। ठीक है, उस साइड देखो, उस साइड भाई साहब। ठीक है, और जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हो, कैंपस अच्छा ही है यार, कितना शानदार कैंपस है। देखो ये कैंपस है, फिर आपको हॉस्टल नज़र आएंगे, और फिर उसके बाद आपको ये देखो वहाँ के वर्कशॉप आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्कशॉप है वहाँ का, तो मैंने वर्कशॉप का भी कुछ कुछ वीडियोस डाल दिया है। ठीक है, तो वर्कशॉप और कैंपस की मैंने कुछ कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं, पूरे तो मेरे पास फ़ोटोज़ थे नहीं, जितनी अवेलेबल थे मैंने वो डाल दिया है। तो आप कैंपस यहाँ से देख सकते हो कि कैंपस कितना ही शानदार कैंपस है। ठीक है, हाँ, ओल्ड कॉलेज है, 1960 की तो ओल्ड ही मॉडल होगी। ठीक है, क्योंकि न्यू कॉलेज जितने भी बने हैं ना वो तो बहुत अच्छे बने हैं, बट ये ओल्ड में है तो उस टाइम का कॉलेज है भाई। तो बट ओल्डेस्ट कॉलेज है ना भाई, बहुत अच्छी कॉलेज है। ठीक है, और अब मैं ब्रांचेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटेक में एडमिशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सभी ब्रांचेस आप देख सकते हो, ये सभी ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, भागलपुर में। और अब मैं बताऊंगा यहाँ पे एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, आपको साइड में सब कुछ टिक भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप एडमिशन जेई मेंस के परसेंटाइल, उसके बाद आपको यूज बिहार के BCEC बिहार के वेबसाइट पर जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बाद आपको UGEAC एक रैंक लिस्ट मिलता है, उस रैंक लिस्ट पर आपको कॉलेज प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो उस पर भी मेरे वीडियो बने हुए हैं कि कितने रैंक पे कौन से कॉलेज मिले हैं और कौन से ब्रांच मिले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा वीडियो की लिंक। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं कि एक प्लेसमेंट की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, SCL प्लेसमेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट थे बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का, उनका प्लेसमेंट हुआ था SCL में, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के फ़ी की। तो मैं यहाँ का फ़ी बता दूँ, 2500 पर ईयर फ़ी है। ठीक है, 2500 पर ईयर। ठीक है, तो क्या वो 10,000 आपको पड़ेगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये 4 साल की फ़ीस होती है। ठीक है,
ट्यूशन फी, एडमिशन फी, सारा कुछ लगा के, ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट एडमिशन के टाइम आपको 2,500, मतलब 2,500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, DD जिसको बोलते हैं बैंक से, एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम आपसे 2,500 का DD लेगा कॉलेज, ठीक है, जो 1 ईयर के अंदर सब कुछ सारा फी हो जाएगा। उसके बाद जब भी फॉर्म भरा जाएगा ना, एग्जामिनेशन फ़ी, तो उस टाइम 3,000 पर सेमेस्टर आपको लगेगा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा एक ट्यूशन ये कॉलेज फ़ी में, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन फ़ी अलग होगा। तो कॉलेज की 4 साल की फ़ी 10,000 है। कोई कुछ भी अदर यूट्यूबर बोलता है उन पर बिलीव मत करना, मेरी बात मानो और मेरी सुनो भाई, ठीक है, 10,000, ओनली 10,000 4 साल की फ़ी है, तो बहुत ही कम कॉस्ट है यार ये तो, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है कॉलेज के अंदर के कैंपस का, ठीक है, तो बने रहो मेरे वीडियो के साथ। अगर अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट तो बनता है, ठीक है, तो बने। यहाँ की जो प्लेसमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा था, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेसमेंट जो यहाँ पे अभी जो हुई थी, मैं करंटली बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 5 लाख पर ईयर का एक पैकेज लगा हुआ है, और यहाँ की एवरेज पैकेज जो है ना वो है 3.5 से 2.2 लाख पर एनम, ठीक है, तो 3.5 लाख से 2,20,000 की एवरेज पैकेज है इस कॉलेज की, ठीक है। तो आप देख लो और यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो वो है TCS, विप्रो, IBM, एसेंचर, ठीक है, माइंडट्री, ये सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो और भी सारे कंपनी आते हैं, बट मैं ये सब बताया आपको, ठीक है। HP है, तो इस बार तो प्लेसमेंट अभी 2020 में जो प्लेसमेंट हुआ था ना, वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ था, जिसमें पूरे बिहार इंजीनियरिंग के बच्चे आए थे, सारे कॉलेज के बच्चे एक साथ अटेंड किए थे प्लेसमेंट, ठीक है, तो ऐसा था। बट मैंने ये सब भी बताया कि इनके कैंपस में अलग से भी प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी कराएगी तो वो सारे बिहार के कॉलेज आएंगे, बट यहाँ पे भी एक पर्सनल होता है। तो यार कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, एवरेज है यहाँ पे, बट आपके अंदर टैलेंट क्या करोगे, बिहार की कॉलेज है, ठीक है, थोड़ी टैलेंट दिखाओ यार, और CSE में तो गजब का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कुछ और ज्ञान के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, और अगर कुछ भी और भी बाकी रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछना, और मैं ज़रूर आंसर करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो JEE मेंस आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, 2021 का एडमिशन आप लोग करो, ठीक हो, और कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो, मैं काउंसलिंग पे हमेशा अपडेट आता हूँ, मैं हमेशा लाइव आकर के आप लोगों से बातें करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी रिलेटेड। तो अब मैं नेक्स्ट एक और वीडियो मेरा आएगा, तो एक एक करके मेरा वीडियो आता ही जाएगा, ठीक है। आज मैंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पे वीडियो बनाया, कल MIT पे आएंगे, फिर ऐसे करके बिहार के एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, ठीक है।